ये है दिल्ली दर्पण। बवाना में फैक्ट्रियों में सुखमनी साहिब का पाठ करने वाली संस्था सुखमनी साहिब सोसाइटी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ की फैक्ट्रियों में काट करके गुरुद्वारा बनाने के लिए जो पैसा जमा किया था वो इस आपदा में इस तरह काम आएगा। बवाना में ये सोसाइटी हर सप्ताह सुखमनी साहिब का पाठ करती है, साथ ही बवाना में गुरुद्वारा बनाने के लिए पैसे जमा करती है। लेकिन अब इस संकट की घड़ी में ये लोग यहाँ के कारोबारियों के लिए सैनिटाइजेशन स्प्रे बॉटल, केमिकल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रही है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 2 में, जहाँ सुखमनी साहिब सिंह सोसाइटी के दफ्तर के बाहर हम लोग खड़े हैं। जैसे ही दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति दी है, कारोबारी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी, अच्छे सैनिटाइजेशन और स्प्रे मशीन का मिलना, इस तरह की तमाम वो चीज़ें जो किसी तरह से कोरोना के वायरस को दूर करती हैं या ख़त्म करती हैं या उनका बचाव करती हैं, इस तरह की चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। इसी को देखते हुए इसको एक कारोबार बना लिया था बहुत से कारोबारियों ने। लेकिन इस चीज़ को जब सुखमनी सोसाइटी के लोगों ने देखा है तो एक बहुत अच्छी पहल की है कि बहुत ही कम दर पे या फ्री कहें, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सब फ्री सेवाएं ये जो यहाँ की फैक्ट्री के लोग हैं उनको दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे इसके पीछे क्या मंशा है और कितना फ़ायदा यहाँ के बवाना के लोगों को हो रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा सतपाल सिंह नाम है जी। सतपाल सिंह जी, कैसे मन में आया कि हमें ये चीज़ कारोबारियों को फ्री देनी चाहिए? देखो जी, हम सुखमनी सोसाइटी के साथ हैं, यहाँ पर छोटा सा गुरुद्वारा बनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर सब छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, सब लघु उद्योग के घर से उठकर आए हुए हैं, 100 मीटर 150 मीटर, उसके अंदर भी 20% छोड़ के फैक्ट्री बनी हुई है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी कम जगह के अंदर काम कर रहे हैं। तो इतनी कम जगह में काम करने के बाद फिर लेबर को भी इस लॉकडाउन के अंदर खर्चा देना, फैक्ट्रियों के किराए देने, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट है, जो कुछ भी रुक तो रहा नहीं है, और अपने खर्चे भी हैं, उसको भी देखते हुए फिर जब ये परमिशन मिली तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब महंगी मिल रही थी। तो उसको हमने देखा तो हमारे पास कुछ, हम हर सोमवार को सत्संग करते हैं, जिसने भी अपनी फैक्ट्री में कराना हो तो उसमें हमारे को कुछ सेवा के हिसाब से जो इकट्ठा होता है, तो कई सालों से हमारे पास वो पैसे इकट्ठे हो रहे थे, तो उसी पैसे को हमने इसके अंदर इन्वेस्ट करके बोतलें और सैनिटाइज़र और हैंड वाश जब तक होगा फ्री, जितना होगा जितना मिल सकेगा कोशिश रहेगी फ्री देने की। तो बिल्कुल वो पैसा बहुत अच्छे जगह पे यूज़ हो रहा है जो इकट्ठा किया हुआ था समाज के नाम पे। हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग अब तक आप बांट चुके हैं, क्या लोग आ रहे हैं, क्या ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको सचमुच इस तरह की चीज़ें मिलने में दिक्कत हो रही हैं? यहाँ सब दुकानों पर बिल्कुल माल नहीं मिल रहा और यहाँ हम सबको फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे किसी के, और कम से कम इस टाइम 200-250 आदमियों को हम यहाँ बांट चुके हैं और अभी भी और भी बांट रहे हैं, जितना सामान आ रहा है आता जाता है देते जाते हैं सबको, हमें किसी की किस्म की कोई परेशानी नहीं है। क्या 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 चीज़ आप दे रहे हैं और क्या क्या देने की सोच रहे हैं आगे? हम ये एक तो ये सैनिटाइजर वाली बोतल दे रहे हैं, साथ में इसका साथ में पाउडर दे रहे हैं, और साथ में जो भी केमिकल है सैनिटाइजर हाथ धोने वाले जो हैं वो भी हम फ्री कॉस्ट पर बनवा के दे रहे हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, और जो कॉस्ट वाला पैसा है सिर्फ वो सैनिटाइजर का, सिर्फ उसका पैसा ले रहे हैं, इस बोतल का और पाउडर का कोई पैसा नहीं ले रहे, सबको फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल सिख संगत सेवा के लिए जानी जाती है, क्या कुछ? हाँ, और हम अभी एक थर्मामीटर है जो बुखार टेस्ट करने वाला है, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम कोई 2500 का दे रहा है, कोई 3000 का दे रहा है, कोई 2200 का, तो वो भी हम कुछ सोच रहे हैं कि कोई हमें ऐसा होलसेलर मिल जाए जो कि बहुत मिनिमम कम से कम रेट, हम वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो टेम्परेचर भी हम कम से कम रेट में देने की कोशिश करें, लेकिन अभी हमें कोई होलसेलर
क्योंकि मार्केटें बंद हैं हर चीज़, तो पता नहीं लग रहा, नहीं तो हम वो भी देने के लिए सोच रहे हैं। तो बिल्कुल, जो कारोबारी जगत के लोग देख रहे हों इस चीज़ को, कम से कम अपने कारोबारी भाइयों के लिए इस चीज़ की व्यवस्था करें, कम से कम रेटों पर करें। सुखमणी देवी सोसाइटी के जो साहिब सिंह सोसाइटी के लोग हैं, इनसे वो संपर्क कर सकते हैं। आप बताइए, कितने लोगों को कभी शिकायत भी आई है कि भाई हमें मिल नहीं रहा है? नहीं, या तो भाई ऐसा जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे जो स्टॉक लाए तो बांट दिया, दोबारा जब स्टॉक मिलेगा तभी स्टॉक मिल नहीं, क्योंकि स्टॉक मिल नहीं पा रहा। जितने डीलर हैं वो मोटे पैसे वालों को पहले बेच रहे हैं, हम जैसे लास्ट में कॉपरेट करते हैं। अच्छा, मैं एक जानना चाह रहा था कि कारोबारी जगत जो है ना, ऐसे टाइम पे भी अगर कारोबार करने की सोचे उसको किस तरह से देखते हैं? बात तो बहुत गलत है, लेकिन हर आदमी की अपनी सोच है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अपने सुखमणी साहिब सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए, कब से यहाँ चल रही है? हमने पहले भी सुना कि इस तरह के लोगों को, क्या ऑब्जेक्टिव इसके रहते हैं? ऑब्जेक्टिव हर हफ्ते हर मंडे हम किसी न किसी की फैक्ट्री जिसको कराना होता है अपना पार्ट कराते हैं, कीर्तन करते हैं, घंटे दो घंटे का प्रोग्राम चलता है। तो जो उस पाठ में जो पैसा जमा हुआ है वो उससे ये सेवा कर रहे हैं? उससे ही सेवा कर रहे हैं, उससे ही कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ गुरुद्वारे के लिए जगह भी नहीं है। हम भी किसी ने अपने अपने अपनी फैक्ट्री में कोई जगह दी है, छोटी सी कमरा, उसमें हमने महाराज का स्वरूप रखा हुआ है, वहीं इकट्ठे हो जाते हैं कोई काम होता है तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गुरुद्वारे बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे उससे ये सेवा करी जा रही है? सेवा कर रहे हैं। एक पता नहीं था ना ये काम हो जाएगा, ये तो किसी को भी नहीं पता था। अब जो वो पैसा हमारा इकट्ठा करा हुआ इस काम में आ रहा, चलो अच्छे काम में लग रहा है, अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इस बात ने साबित किया है जो सिख संगत है सेवा के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारोबारी डरे हुए हैं, मजदूर डरे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत उनको इस बात की है कि फैक्ट्री खोलने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सैनिटाइजर्स उनको चाहिए, जो उपकरण उनको चाहिए, जो मास्क उनको चाहिए, वो सही कीमत पे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ आसपास कोई बाज़ार नहीं है बड़ा, तो ऐसे में सुखमणी सोसाइटी का ये कदम सचमुच सेवा की एक शानदार मिसाल है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।